तो दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज हमें दो ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था, जहां सबसे पहले हमें वेस्ट इंडीज बनाम यूएसएस के बीच ये मुकाबला खेला गया था, वही दूसरा मुकाबला में इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। आज का ये दोनों मुकाबला पूरी तरह से समाप्ति के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट स्केल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है, अब कौन से टीम के पास कितना चांस है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी T20 वर्ल्ड कप के बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करे, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के नए पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ग्रुप बी के पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में जो आखिरी पोजीशन पर है, आज का मुकाबला हारने वाली टीम यूएसए ने सुपर 8 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में यूएसए को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में -2.980 का देखने को मिला है। वही यूएसएस की टीम सेमीफाइनल के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। वही यूएसएस का अगला मुकाबला में 23 जून को इंग्लैंड के खिलाफ खेल तो बने जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सुपर 8 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, जिनमें से इंग्लैंड को एक मुकाबले में जीत मिली और एक मुकाबले में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स के उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में +0.487 का देखने को मिला है। वो इंग्लैंड को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ एक मुकाबले में से उस मुकाबले को जीतना जरूरी। वही इंग्लैंड का अगला मुकाबला में 23 जून को यूएसएस के खिलाफ खेल तो बने जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है, आज का मुकाबला जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, जिनमें से वेस्ट इंडीज को एक मुकाबले में जीत मिली और एक मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में +1.147 का देखने को मिला है। वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ एक मुकाबले में से उस मुकाबले को जीतना जरूरी। वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला में 24 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल तो बने जा रही है। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है वह साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, जिनमें से साउथ अफ्रीका को दोनों मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट्स टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में +0.678 का देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ एक मुकाबले में से उस मुकाबले को जीतना जरूरी। साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला में 24 जून को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल तो बने जाएंगे। ये थी ग्रुप बी का आज का नया पॉइंट टेबल। वे ग्रुप ए के नए पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में जो आखिरी पोजीशन पर है, आज का मुकाबला हारने वाली टीम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सुपर 8 में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में -2.800 का देखने को मिला है। ये बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। ये बांग्लादेश का अगला मुकाबला में 25 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेल तो बने जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वही अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने सुपर 8 में टोटल एक मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट एरिया में -2.340 का देखने को मिला है। ये अफगानिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ दो मुकाबले में से दोनों मुकाबला जीतना जरूरी। वे अफगानिस्तान का अगला मुकाबला में 23 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल तो बने जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 में टोटल एक मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।
पॉइंट्स थे उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट एरे में प्लस 2.508 का देखने को मिला है। वे ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ 2 मुकाबले में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना जरूरी। वे ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला में 23 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेल तो नजर आई है। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है, आज का मुकाबला जीतने वाली टीम इंडिया। इंडिया ने सुपर 8 में टोटल 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में इंडिया को जीत मिली। पॉइंट्स थे उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट एरे में प्लस 2.478 का देखने को मिला है। वही इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। वही इंडिया का अगला मुकाबला में 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल तो बने जाएगी। ये थी ग्रुप ए का आज का नया पॉइंट्स टेबल। वही आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीम रहने वाली है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।